हेलो, मैं सेल्फ निलेशा फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे जो ओरल कैविटी है हमारी, उसमें कौन कौन से डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, या फिर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो उन डिजीजेस को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले लिप और पैलेट में जो डिजीज होते हैं हम उसको देखेंगे। सबसे कंजेनाइटल लिप्स एंड कमिशल पिट फिस्चुला, तो इसमें क्या होता है, ये मैलफॉर्मेशन हो जाता है लिप्स का, जो एक हेरिडिटी पैटर्न होता है, मतलब इट इज़ जेनेटिक, और ये या तो अकेला यही होगा या फिर दूसरे डेवलपमेंटल एनोमलीज भी होगी, जैसे कि ओरल क्लेफ्ट, या फिर ये जो 75 to 80% के इन केसेस में क्या होता है, ये बाय बर्थ होता है, लेबियल फिस्चुला, लिप्स का फिस्चुला, और फिर वो एसोसिएट हो जाता है क्लेफ्ट लिप्ट और कैफ पैलेट से। अब क्यों होता है ये, कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं मिली है कोई भी थ्योरी, बट मे बी नॉचिंग ऑफ द लिप या फिर जो टिश्यू है बेस के नॉच में वो फिक्स हो गया है, उस कारण क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, जो लीजन होगा वो या तो एक साइड से हो सकता है या दोनों साइड से हो सकता है, डिप्रेशन या फिर जो पिट है वो सब। ये कहाँ होता है, जो वर्मिलियन सरफेस है लिप का, जो लोअर लिप में होता है मोस्टली, और इसका सिक्रीशन में क्या है, बेस ऑफ पिट से हमको इसके सिक्रीशंस देखने मिलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सीजन, या तो सर्जिकली हटा दो, वैसे तो ये हार्मलेस है तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर आती है वेंडरवाउंड सिंड्रोम, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है जिसमें क्लेफ्ट लिप्ड और कैफ पैलेट होता है और अलग अलग पिट्स होते हैं लोअर लिप में। ये क्यों होता है, क्योंकि ये ओरोफेशियल एनामली है और ये एबनॉर्मल फ्यूजन है अगर पैलेट और लिप का, कंसेप्शन के 30 to 50 days के अंदर ही ये चीज़ हो जाती है। और क्लिनिकल फीचर्स ये कम से कम 1 in 1 lakh or 2 lakh पीपल में होता है, कोई सेक्स प्रीडिलेक्शन नहीं कि मेल में होगा या फीमेल में, और जो इसका लीजन है वो बाउंडेड रहता है, आइसोलेटेड रहता है और मीडियली रहता है, ये भी वर्मिलियन लिप पोर्शन पे होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एग्जामिनेशन कर लो पहले, जेनेटिक काउंसलिंग कोई भी पीडियाट्रिक से, कि पहले हमें पता लग जाए हेरिडिटी है, तो सर्जिकली रिपेयर करा सकते हैं हम इस लिप को। फिर आते हैं क्लेफ्ट लिप्ड और क्लेफ्ट पैलेट, ये एक कॉमन कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन है। ये क्या है, फेलियर हो जाता है फ्यूजन का नेजल और मैग्जिलरी प्रोसेस, जो हमारी है नाक और मैग्जिला के बीच की जो प्रोसेस है एल्वियोलर बोन की, उसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्लेफ्ट ऑफ प्राइमरी पैलेट हो जाएगा। ये भी या तो एक साइड से होगा या दोनों साइड से होगा, ये भी 500 लोगों में एक जने पे होता है, जिस तरह का ओरिजिन है उस पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी के कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिला है उसके कारण भी हो सकता है। दूसरे जो फैक्टर है कि वैस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं है, या फिर जो साइज ऑफ टंग है वो उसको अलग अलग जो साइज है वो साइज बहुत ज़्यादा, जिसके कारण यूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया कोई सर्कटिन एल्कोहल्स का या ड्रग्स का, और डेवलपमेंटल फोर्सेस कम लग रही है मे बी इसलिए। ये मोस्टली मेल प्रेडिलेक्शन होता है इसमें, यूनिलेटरल या बायलेटरल एनोमली होती है, और इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जो इंटीरियर है इंसिसिव फोरामेन के, इसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट ऑफ प्राइमरी पैलेट, और जो पोस्टीरियर है इंसिसिव फोरामेन के उसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट ऑफ सेकेंडरी पैलेट। ज़्यादातर केसेस में ये सर्जिकली हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, कॉस्मेटिक और फंक्शनल रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, या फिर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर डिफिकल्ट, क्योंकि रिगर्जिटेशन हो जाता है फूड का और लिक्विड का नोज पे, और इसका ट्रीटमेंट है सर्जिकली कर दो।